नमस्कार दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना चलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 2 जुलाई दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार, आज की तिथि तृतीया, आज का नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:26 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:22 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:13 से सुबह 9:10 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग है लाल और हल्का हरा। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है उससे बाहर निकलने का सही समय है। अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आज आपका झगड़ा हो सकता है, हालांकि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफ़ी समय से खराब है। अपने प्रिय की ईमानदारी पर आप शक ना करें, यह दूसरे शहरों से व्यवसाय संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही नहीं है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं, आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं जरूरत से ज़्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नित प्रतिदिन व्यायाम करें, जेवर और एंटी को निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना मज़ेदार रहेगा लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर पहुँचेंगे। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक ना करें, दफ्तर में आपके दुश्मनी आज आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत दिन उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं, इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आज आप में से कुछ के लिए इधर उधर की भागदौड़ रहेगी, देरी और बाधाएं भी कई बार चिंता का कारण बनेगी। धैर्य बनाकर रखें क्योंकि समय इतना भी बुरा नहीं है जितना कि यह आपको इस समय दिख रहा है। आप खुद को व्यवस्थित रखें और साहस के साथ चीज़ों का सामना करें, आप नए संपर्क स्थापित कर पाएंगे, दोस्त सहयोग करेंगे और आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा। यात्रा व्यवसायिक और धार्मिक संदर्भ में यात्रा फायदेमंद रहेगी। कुछ के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है, जीवन साथी से आज आपकी कुछ तानातानी संभव है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे, आप अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है, उन्हें किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आज आपकी मेहनत और भाग्य का साथ हर तरह से आपके लिए उत्तम प्राप्त होगा। बच्चों से किसी मामले को लेकर आप उनसे बातचीत करेंगे, संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए आप पूरी तरह सफल हो सकते हैं। जीवन साथी आपकी किसी बात से असहमत हो सकता है, सब रिलेशनशिप के साथ साथ
मित्रता भरा व्यवहार भी आप अपने पार्टनर के साथ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। साथियों दोस्तों, इस राशि में वृश्चिक राशि का कोई सहकर्मी आपको व्यवसाय से जुड़ी कुछ जानकारी देगा। आप में से कुछ लोग लोन की आखिरी किस्त चुकाने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध मधुर रखेंगे। साथियों दोस्तों, आज आप वाणी के साथ साथ स्वास्थ्य में भी विनम्रता बनाए रखें। आपकी समझदारी आज किसी दूसरे के काम आ सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में कंधे पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए आप मदद ले सकते हैं। पति पत्नी व्यस्तता की वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वह घर पर माता पिता को अपने रिश्ते की बात बता सकते हैं। आज आपको धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बड़े कारोबार या प्रॉपर्टी के निवेश के लिए समय अनुकूल है। ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी समस्या पर घबराने के बजाय अपनों की सलाह लें। नौकरी में मनोवांछित उपलब्धि मिलने के आसार हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, अपने अधीनस्थों के व्यवहार के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में सामंजस्यपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। पति पत्नी को एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क प्रवृत्ति के कारणों से आप दूर रहें, क्योंकि चोट लगने या एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि आज आप कोई वाहन ना चलाएं। जितना हो आज आप अपने वाहन से दूर रहें। कैरियर से संबंधित किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय ना लें। व्यवसाय में अत्यधिक कारोबार की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। हालांकि कर्मचारियों के सहयोग से कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। मीडिया तथा प्रिंटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में आपको लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में संभल कर चलना होगा, क्योंकि जरा सी बात बड़ी हो सकती है। उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है। और साथ ही आपको आपकी प्रेम पाने की मुराद आज पूरी हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रियतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा। तो दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिन रह सकता है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएं कि आज आप उनसे कहीं घूमने की कहें और वो जाने से मना करें तो इस बात पर वह नाराज हो सकते हैं। इसके चलते आज आप अपनी बाड़ी पर संयम रखें, नहीं तो हालत बिगड़ सकते हैं, जिससे आप दोनों में मन मुटाव की स्थिति देखने को मिले। तो दोस्तों आप अपने प्रेमी प्रेमिका को समझें और उन्हें समझने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों आज आपका भरपूर साथ देगा तथा आज आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों आप अपने आप को अधिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। और दोस्तों आज आप कहीं घर से बाहर जाएं तो आज आप अपना वाहन ना चलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।